गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कारी लाइट। एंड गाइस हियर वी हैव द ऑल न्यू 2024 होंडा एलिवेट टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। आपके सामने खड़ा हुआ है ZX। हालांकि ये मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट है। इसका फुल डिटेल रिव्यू करने वाले, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल जाता है, इंटीरियर एक्सटीरियर डायमेंशन वेट सेफ्टी फीचर्स बूट स्पेस क्या मिल जाते हैं, और क्या भाई ये अपने कॉम्पिटिटर्स कितना बढ़िया रहने वाली है, 2024 में ये व्हीकल लेना आपके लिए कितना बढ़िया होगा। वीडियो तक बने रहिएगा, आपको बिल्कुल मालूम चल जाएगा। एंड गाइस चैनल पर नए तो उसको फटाफट सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए। एंड गाइस अगर आप लोग आजमगढ़ और वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो, होंडा की कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, बिल्कुल आज डीलरशिप पे आ सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं भाई। यहीं पे आपको अपना सेल्स सर्विस सभी चीज़ देखने मिल जाएगा, वो काफ़ी मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो बढ़िया शोरूम देखने को मिल जा रहा है। सो गाइस चलिए बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं गाइस। की से तो कुछ ऐसी की देखने को मिल जाती है अपने एलिवेट में। यहाँ पे आपको 2 बटन्स मिल जाते हैं लॉक ऑन लॉक के, या पीछे होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है काफ़ी बढ़िया सी। एंड गाइस इसमें अपने को एक फिजिकल की भी मिल जाती है। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं वेरिएंट कलर ऑप्शन प्राइसिंग की। तो एलिवेट ऑफर होती है भाई अपने को टोटल 7 वेरिएंट एंड 10 कलर ऑप्शन के साथ, काफ़ी प्लेंटीज ऑफ कलर ऑप्शन है, आप किसी पर भी जा सकते हो। ये काफ़ी बढ़िया बात लगी मुझे भाई, काफ़ी सारे चॉइसेस आपके पास। एंड अगर प्राइसिंग की बात करेंगे तो स्टार्ट होती है 11.58 लाख एक्स शोरूम, टॉप मॉडल तक जाती है 16.2 लाख एक्स शोरूम। गाइस ऑन रोड प्राइस नहीं, एक्स शोरूम है। आपके सामने खड़ी है एलिवेट ZX मैनुअल ट्रांसमिशन, इसकी प्राइस आपको पड़ेगी अप्रॉक्स 15.1 लाख। एंड मोड़ी मोड़ा ऑन रोड पड़ जाती है 18.7 लाख तक। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। एंड गाइस उसी के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं तो कुछ ऐसी ओवरऑल मिल जाती है प्रोफाइल भाई। फ्रंट से अगर देखेंगे तो बढ़िया सी, सबसे पहले ग्रिल आपको मतलब गजब लगती है, एकदम काफ़ी बम्पी सी ग्रिल लगती है, बड़ी सी ग्रिल है। यहाँ पे अपर साइड में तो आपको ये नॉन फंक्शन मिलेगी, नीचे फंक्शन मिल जाती है होंडा की, काफ़ी बढ़िया क्रोम में ब्रांडिंग मिल जाती है, डार्क क्रोम इंसर्ट्स में ग्रिल मिल रहे हैं, प्रॉपर क्रोम कंटिन्यू है इसके लेफ्ट साइड हेडलैम्प से राइट साइड हेडलैम्प तक, टोइंग हुक का सेटअप मिलेगा, फॉग लैम्प यहाँ पे अपने को एलईडी देखने को मिल जाता है। एंड गाइस यहाँ पे आपको स्किड प्लेट सिल्वर फिशिंग मिलेंगी, लोअर ग्रिल आपको कुछ ऐसा देखने मिल जाता है, नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप। बाकी गाइस काफ़ी बढ़िया सी ओवरऑल प्रोफाइल देखने को इसमें मिल जाती है। यहाँ पे आपको लेन के लिए भाई अपना एक कैमरा भी देखने मिल जाता है विंडशील्ड पे। यहाँ पे आपको वाइपर्स मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया सा एक हुड मिलता है जो कि काफ़ी कमांडिंग है, मतलब एकदम फ्लैट हुड मिलता है, जहाँ पे कुछ कट्स एंड डिज़ाइन मिल जाते हैं जो कि व्हीकल के लुक को इन्हेंस करते हैं और कहीं ना कहीं एरोडायनेमिक शेप भी दे देते हैं। बाकी काफ़ी बढ़िया सा ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिल जा रहा है। बातें भाई इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ये है भाई अपनी प्रॉपर लेफ्ट साइड प्रोफाइल एलिवेट की, काफ़ी लेंथ वाइज लंबी लगती है, प्रेजेंस भाई बहुत बढ़िया लगती है, जितना बाहर से बढ़िया उतना अंदर से भी ये गाड़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है, अपने कॉम्पिटिशन में एक नंबर भाई गाड़ी है। एंड उसी के बाद अगर बात करते हैं भाई इसके हम लोग टायर प्रोफाइल की, तो यहाँ पे गाइस काफ़ी बढ़िया से पहले आप देख रहे हैं अपने को डायमंड कट फिनिश में अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं, होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है, 215/55 से एक्सटेंड टायर मिलते हैं विद 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में देख रहे हैं तो अपने को ड्रम ब्रेक ऑफर हो रहे हैं, फुल बॉडी क्लाइडिंग्स अपने को देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। फेंडर आप देख रहे हो कट्स एंड डिज़ाइन के साथ आता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल वॉल्यूम विद टर्न सिग्नल्स। एंड गाइस यहाँ पे आपको सेफ्टी के लिए काफ़ी बढ़िया लेफ्ट साइड एक कैमरा की प्लेसमेंट मिल जाती है, वॉल्यूम पे बॉडी कलर वॉल्यूम मिलती है, क्रोम ट्रीटमेंट में यहाँ पे मिल जाते हैं डोर हैंडल्स बीडिंग क्रोम में मिलती है, रूफ पोस्ट आपको मिलता है ब्लैक कलर में, रूफ रेल सिल्वर फिनिशिंग मिल जाती है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड प्रॉपर रिक्वेस्ट सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, अपने को फीचर्स वाइज काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। एंड गाइस लेफ्ट साइड रियर फेंडर पे अपने को फ्यूल लोब मिल जाता है, 40 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ एलिवेट ऑफर होती है, प्रॉपर सिल्वर फिनिशिंग, रूफ रेल, रियर में ड्रम ब्रेक, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, बढ़िया लग रही है। एंड आते हैं गाइज रियर प्रोफाइल की तरफ, तो ये भाई प्रॉपर रियर प्रोफाइल अपने एलिवेट की, जहाँ पे गाइज ऊपर अपने को मिल जा रही है 7 मिनट एंटीना, और यहाँ पे वॉशर की प्लेसमेंट, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर वाइपर आ रही है, प्रॉपर कनेक्टेड टेल लैम्प, बट ये नॉन फंक्शनल है, जल्दी खाली गाइज इतनी है जो कि आप लोगों ने सिनेमैटिक में देख ही लिया होगा, ब्रेक लाइट LED मिलती है, टर्न सिग्नल, रिवर्स लाइट, आपको रिफ्लेक्टर भी हैलोजन मिलेगी, एलिवेट की 3D ब्रांडिंग, यहाँ पे आपको IVTEC की ब्रांडिंग मिल जाती है, बीच में होंडा की ब्रांडिंग मिली है, रियर कैमरा की प्लेसमेंट, नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर नीचे मिल जाते हैं, 4 पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं, स्किड प्लेट सिल्वर फिनिशिंग में। एंड गाइस अब देख लेते हैं क्या पूरी स्पेस ऑफर हो रहा है अपने एलिवेट में, इन सेगमेंट काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस देखने को मिल जाता है प्रॉपर, यहाँ पे आपको मिलेगा पार्सल ट्रे, बूट लैंप आ जा रहे हैं, 64 स्पीड सीट आता है तो बूट स्पेस को आप एक्सपेंड कर सकते हो, 458 लीटर की बूट स्पेस के साथ आती है अपनी एलिवेट। नीचे अपने को मिल जाती है भाई काफ़ी बढ़िया सा स्पेयर व्हील का प्लेसमेंट, जहाँ पे गाइस अपने को 16 इंचेस की स्पेयर व्हील आ रही है, यहाँ पे आपको किट वगैरह मिल जाते हैं, टूल किट वगैरह। एंड गाइस यहाँ पे आपको लगेज कैरी करने के लिए होल्डर भी देखने को मिल जाता है, पार्सल ट्रे आ ही रहा था, प्रॉपर कवरिंग वगैरह आ रही है, यहाँ पे आपको मिल जाती है डिफॉगर। एंड इसको करते हैं भाई हम लोग क्लोज,
काफ़ी बढ़िया ओवरऑल रियर प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। अब आते हैं भाई इसके हम लोग राइट साइड प्रोफाइल की तरफ, तो जैसा आप लेफ्ट साइड देखें तो वैसा ही राइट साइड प्रोफाइल देखने को मिलेगा और काफ़ी बढ़िया लगती है गाइस। अलॉय व्हील देखेंगे नीचे आपको, डोर क्लाइडिंग सिल्वर फिनिशिंग क्या आप बोलेंगे तो बॉडी कलर और ब्लैक कलर में देखने को मिल जाते हैं। रिक्वेस्ट से मैंने आपको बता दिया ड्राइवर को, ड्राइवर साइड फिजिकल की नोब दे देती, तो मतलब प्लेस अगर इधर कर देती तो बढ़िया रहता, लेकिन चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं। बाकी गाइज लुक वाइज व्हीकल फ्रंट प्रोफाइल साइड प्रोफाइल रियर प्रोफाइल से एकदम एक नंबर है। अब बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। गाइज टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सबसे पहले हम लोग डायमेंशन को देखेंगे तो 4312 mm की लेंथ मिल रही है, 1790 mm की वेथ, ओवरऑल हाइट 1650 mm की मिल रही है, व्हील बेस 2650 mm की मिलेगी, कर्वेट 1258 kg की, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है SUVs के लिए, तो गाइज यहाँ पे आपको 220 mm की काफ़ी बढ़िया सी ग्राउंड क्लियरेंस एलिवेट में ऑफर हो रही है। तो इसको लेकर अगर आप थोड़ी सी हिली एरिया में जा रहे हो, माउंटेन एरिया में जा रहे हो, तो बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ले सकते हो बिकॉज काफ़ी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आ रही है। सेफ्टी फीचर्स को देख रहे हैं तो भाई होंडा की प्रोडक्ट है, बिल्ड क्वालिटी ठीक मिलती है। यहाँ पे आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर रिजर्व वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, आइसोफिक्स चार्ज सीट्स माउंट, हिल असिस्ट, रियर में 4 पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा वगैरह सेफ्टी फीचर्स मिल जा रहे हैं, हालांकि कोई भी फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स नहीं आते। सो गाइस ये था अपनी एलिवेट ZX का पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, डायमेंशन, सेफ्टी फीचर्स वगैरह। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें अपने को ऑफर हो रही हैं। तो सबसे पहले ड्राइवर साइड चलेंगे तो प्रॉपर पूरी चीज़ें यहाँ पे मिल जा रही है अपने को, क्रोम ट्रीटमेंट में हैंडल्स वगैरह, रिक्वेस्ट सेंसर, बिडिंग वगैरह आप देख रहे हो, एंड कैमरा सिर्फ आपको RVM पे सिर्फ अपना लेफ्ट साइड मिलेगा, राइट साइड तो आप खुद ही देखते ही हो सब चीज़। एंड गाइज ये है कुछ ऐसा ओवरऑल इंटीरियर, अभी देखते हैं पहले हम लोग डोर को, तो भाई बढ़िया एकदम मिल रहा है, काफ़ी जगह यहाँ पे सॉफ्ट टच की यूज़ की गई है, यहाँ पे सॉफ्ट टच मिलेगा, पावर विंडो कंट्रोल, डाइवर्सर ऑटो, डोर लॉक अनलॉक का यहाँ पे मिलेगा, पावर बटन, यहाँ पे गाइज अपने RVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करोगे, फोल्ड करोगे, एंड यहाँ पे आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी मिल जाता है, कप होल्डर, कुछ स्पेस, स्पीकर प्लेसमेंट, ट्यूटर प्लेसमेंट हियर, डोर लीवर्स काफ़ी बढ़िया ग्रे फिनिश में आता है, ये भी आपको सॉफ्ट टच मिलेगा ब्राउन कलर में, ब्लैक कलर में काफ़ी सही डोर का पूरा मिल जा रहा है भाई इंटीरियर। एंड गाइज सीट्स को देखें तो अपनी लेदरॉइड सीट्स आ जा रही हैं, एंड यहाँ पे आपको सीट्स देखेंगे तो अपने को जो सीट्स मिलती है वो वेंटिलेटेड तो भाई नहीं देखने को मिलती हैं, सीट हाइट एडजस्टमेंट आ जाती है, हेडरेस एक्स्ट्रा कंफर्ट के साथ आती हैं, दोनों एडजस्टेबल आमरेस मिल जाता है अपने को। अब चल रहे हैं भाई इसके इंटीरियर में और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें अपने को मिल जा रही है। तो गाइज डोर को करते हैं क्लोज और ऑन कर लेते हैं भाई। पहले यहाँ पे आपको एक ऐसा वेलकम साउंड देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाता है, और थोड़ा सा भाई हम लोग अपने स्टेयरिंग को सीधा कर लेते हैं और एक बार और ऑन करते हैं और देखते हैं कैसा ओवरऑल अपने को मिल जा रहा है MID पूरा। तो भाई देखिए सबसे पहले डैशबोर्ड आप चेकआउट करिए, ब्राउन एंड ब्लैक कलर में काफ़ी बढ़िया, यहाँ पे आपको कुछ वुडन फिनिशिंग भी देखने को भाई मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप MID को देख रहे हैं तो यहाँ पे गाइस अपने को टैकोमीटर मिल जाता है, इधर स्पीडोमीटर मिल जाता है, एंड गाइस व्हीकल से रिलेटेड पूरी फीचर्स यहाँ पे आपको या स्पेसिफिकेशन बोलिए देखने को मिलेगा, लाइक इंजन टेम्परेचर, लो बैटरी इंडिकेशन, लो ऑयल इंडिकेटर, इंडिकेशन, सीट बेल्ट वार्निंग, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, रियल टाइम इंजन टेम्परेचर, हर एक एक चीज़ प्रॉपर यहाँ पे आपको देखने को इस MID में मिल जाता है, जो कि गाइस ये अपना MID वो आपको 7 digital मिल जा रहा है, नीचे अपने को फ्यूल गेज मिल रहा है। एंड गाइज अगर स्टेयरिंग के एडजस्टमेंट को देख लेते हैं तो ये आता है भाई टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, काफ़ी बढ़िया एडजस्टमेंट के साथ भाई अपना स्टेयरिंग आ रहा है। होंडा का यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है काफ़ी बढ़िया गाइज, यहाँ पे आपको लेदरॉइड फिनिश मिल जाती है, यहाँ पे आपको कुछ सिल्वर फिनिशिंग या फिर ग्रे टाइप आप बोल सकते हो मिल जा रहा है। एंड कंट्रोल्स को देखेंगे स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल को तो राइट साइड में क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड में मिलने तो अपने को भाई इंफोटेनमेंट कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं, और टॉगल्स को देख रहे हैं तो इधर अपने को राइट साइड में मिल रहे हैं हेडलाइट्स का कंट्रोल, लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल, यहाँ गाइज नीचे अपने को हेडलाइट लेवरर, ट्रैक्शन कंट्रोल, AC वेंट्स आ जा रहे हैं, इधर अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी लाइट की कमी हो रही है बिकॉज फ्रंट से लाइट आ रही है। बाकी गाइज आगे से आप अपना फ्यूल नोब एंड हुड ओपन करेंगे तो गाइज कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको 12.25 inches का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को, एंड टच रिस्पॉन्स गाइज अगर इसका देखते हैं आप ओवरऑल काफ़ी बढ़िया मतलब एक तरीके से देखने को मिल जाता है रिस्पॉन्स, इस प्राइस रेंज के हिसाब से सही है, और अगर सेंसिटिव को देखेंगे तो वो भी काफ़ी सही है। एंड अगर देख लेते हैं भाई इसके अब हम लोग रिवर्स कैमरा क्वालिटी की, तो एक बार गाइज इसको हम लोग थोड़ा सा डालते हैं रिवर्स में एंड अब इसके क्वालिटी देख लेते हैं, गाइज कुछ ऐसी ओवरऑल अपने को रियर कैमरा की क्वालिटी देखने को मिल जाती है एंड भाई ठीक ओवरऑल देखने मिल जाता है। एंड ये जो थोड़ा ऊपर उठा है ना बढ़िया लग रहा है, इधर अपने को मिल जाती है भाई हज़ार के स्विच, इधर अपने को AC वेंट, ऑटो AC देखने को मिलता है तो वहाँ पे उसकी पूरी कंट्रोल्स मिलेगी, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट आ रहा है, 12 वॉट का पावर सॉकेट इधर मिलेगा, यहाँ पे आपको USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, 2 कप होल्डर,
सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, कुछ ऐसी गियर लीवर यहाँ पे हैंड ब्रेक प्लेसमेंट एंड आर्मरेस्ट अपने को एडजस्टेबल नहीं देखने मिलता, कुछ स्पेस काफी बढ़िया सॉफ्ट टच के साथ आ रही है। वुड एंड फिनिशिंग काफी बढ़िया है, ये सब सॉफ्ट टच है, ऊपर हार्ड प्लास्टिक आ जाता है, ये मुझे काफी पर्सनली गाइस अच्छी लग रही है। ग्लव बॉक्स में गाइस कुछ ऐसा स्पेस देखने को अपने को मिल जा रहा है, ऊपर आपको मिल जा रहा है भाई ऑटो डेनिम IRVM। लाइट्स देखने तो अपने को काफी बढ़िया LED ऊपर देखने को मिल जा रही है। सनरूफ अगर आप देखेंगे तो गाइस कुछ ऐसा आपको सनरूफ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस अपना देख रहे हैं तो ड्राइवर साइड अपने को मिल जाता है भाई, अपने को सनवाइजर में वैनिटी मीटर प्लस लाइट। एंड अगर ड्राइवर साइड देख रहे हो तो यहाँ पे गाइस अपने को सेम चीज वही देखने को मिल जाती है, जहाँ पे गाइस आप देख रहे हैं तो लाइट आपको भाई नहीं मिलती है, सिर्फ अपने को ड्राइवर साइड लाइट देखने को मिलती है। एंड यहीं से भाई आप अपने सनरूफ को ओपन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ आता है। साइज गाइस अगर देखते हैं तो ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड इसको आप क्लोज करते हैं एंड आप अपने सेट को भाई मैन्युअली ओपन क्लोज करोगे। हाँ, बाकी गाइस कुछ ऐसा ओवरऑल फ्रंट का डैशबोर्ड मिल जा रहा था। अब गाइस इसके हम लोग करते हैं ऑफ, अब चलते हैं सेकंड रो में, देखते हैं वहां क्या चीज अपने को भाई ऑफर हो रही है। काफी बढ़िया सा गाइस ओवरऑल इंटीरियर देखने को मिलता है, थीम अपने को देखने को मिल जाता है, क्वालिटी वगैरह स्विचेस की भी काफी सही है भाई। बाकी यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट, हाँ थोड़ा सा गाइस यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट भी देते तो बढ़िया रहता, लेकिन चलो भाई कोई बात नहीं। एंड गाइस बिडिंग वगैरह आप देखिए ना अपना क्रोम में आ जा रहा है, यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग में मिल जा रहे हैं भाई हैंडल्स वगैरह फ्रंट की तरह ही। और ये भाई यहाँ पे आप देख रहे हो तो भाई अपने को मिल जा रहा है सॉफ्ट टच, ऊपर भी सॉफ्ट टच आ रहा है, ये ग्रे कलर की फिनिशिंग मिल जा रही है। ट्विटर प्लेसमेंट स्पीकर प्लेसमेंट यहाँ पे बॉर्डर होल्डर वगैरह मिल रहा है, पावर विंडो कंट्रोल डोर लीवर्स देख रहे हैं, सिल्वर फिनिशिंग मिल रही है अपने को, ग्रे फिनिशिंग। एंड यहाँ पे गाइस देख रहे हैं तो 64 स्पीड सीट आती है, लेदरॉइड सीट्स हैं, हेडरेस्ट दो हैं, दोनों एडजस्टेबल हैं, पार्सल ट्रे प्लेसमेंट आ जाती है पीछे। एंड आइसोफिक्स साइड सीट्स माउंट्स वगैरह अपने को देखने को मिल जाते हैं, गर्मियों में बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है भाई अपने सेकेंड रो में। एंड गाइस यहाँ पे आपको बिकॉज रियर एसी वेंट्स मिल जा रहे हैं, नीचे अपने को 12 वाट का एक पावर सॉकेट मिल जाता है, सेंटर पैसेंजर को बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे आपको हम्प नहीं मिलता है। एंड गाइस देख रहे हैं तो सबसे पहले नी रूम को तो काफी बढ़िया स्पेस की बिल्कुल आपको इसमें कमी नहीं वाली है, एलिवेट में स्पेस काफी बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। तो नी रूम देख रहे हैं गाइस, आगे वाला सीट पूरा ही मैंने पीछे करा, उसके बाद इतना तगड़ा नी रूम, लेग रूम फोटो भी सही, अंदर टाई कपोर्ड भी बहुत सही देखने को मिल जाता है। हेडरूम को देख रहे हैं गाइस कुछ ऐसा ओवरऑल हेडरूम अपने एलिवेट में ऑफर हो रहा है भाई, बढ़िया हेडरूम देखने को मिल जाता है, ये थोड़ा सा आपको ऊपर बम मिलता है सनरूफ की वजह से, बट यहाँ पे आपको बढ़िया अमाउंट का हेडरूम मिल जा रहा है। लाइट अपने को LED मिलती है सेकंड रो में भी प्रॉपर, यहाँ पे आपको सॉफ्ट क्लोज हैंडल प्लस हैंगर देखने को मिल जाता है। स्पेस वगैरह में बिल्कुल आपको एलिवेट में कोई भी शिकायत नहीं होगी, स्पेस देखते हैं, फीचर्स देखते हैं, कंफर्ट देखते हैं भाई, बढ़िया हेडरेस्ट से आप पता लगा पा रहे होंगे कितना बढ़िया सपोर्ट के साथ अपना हेडरेस्ट देखने को मिल जा रहा है। अब गाइस चलते हैं इसके बाहर और देखते हैं इंजन में क्या पावर एंड टॉर्क देखने को मिलता है, बिकॉज गाइस फीचर्स वगैरह के साथ साथ इंजन भी गाड़ी का काफ़ी ठीक रहना चाहिए। तो इजली ड्राइवर साइड से इसका आप हुड ओपन करोगे, नीचे अपने को एक लीवर देखने को मिल जाता है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक लीवर मिलेगा, यहाँ से इजली आप आगे का हुड ओपन कर लोगे। हुड ओपन करने के बाद गाइस कुछ ऐसा ओवरऑल सीन देखने को मिल जाता है, प्रॉपर इंसुलेटर अपने को मिल जाता है हुड पे। एंड गाइस यहाँ पे आपको फ्यूज़ और प्लेसमेंट मिलेगा, बैटरी प्लेसमेंट मिल जाता है, ये भाई अपना 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा। एंड गाइस यहाँ पे आपको वॉशर का मिल जाता है भाई सेटअप पूरा। एंड अगर बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की तो गाइस यहाँ पे आपको 1498 cc 4 सिलेंडर BS6 Phase 2 इंजन देखने को मिल जाता है, मैक्स पावर 119.3 BHP मिलती है 6600 RPM पे, 145 NM की टॉर्क मिलती है 4300 RPM पे। माइलेज की बात करेंगे तो अप्रॉक्स 14 टू 15 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज दे देती है एलिवेट। एंड अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी को देख रहे हैं तो 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 458 लीटर तक की बोरी से मिल जा रही है। प्रॉपर यहाँ पे आपको इंसुलेटर वगैरह देखने को मिल जाता है जिससे कि हीट नॉइज़ वगैरह बाहर व्हीकल की नहीं आ पाएगी। सो गाइज ये था भाई अपने होंडा एलिवेट ZX टॉप मॉडल का फुल डिटेल रिव्यू, इंटीरियर एक्सटीरियर डायमेंशन वेट सेफ्टी फीचर्स बूट स्पेस प्राइसिंग कलर ऑप्शन वॉक अराउंड पूरा दे दिया है। होप करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करेगा। एंड अगर आप लोग आजमगढ़ वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो बिल्कुल इस शोरूम पे आ सकते हैं, शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्टार्टिंग में स्क्रीन पे भी आप लोगों ने देख लिया होगा भाई। बाकी गाइस पर्सनली मैं बताऊँ व्हीकल काफ़ी बढ़िया लुक के साथ आती है, कम्फर्ट भी इंटीरियर में बहुत बढ़िया है, कम्फर्ट के साथ स्पेसियस भी सही है, प्राइस रेंज को भी देखेंगे तो ठीक देखने मिल जाती है, सबसे बड़ी बात कलर चॉइसेस भी आपके पास काफ़ी सारे हैं। अगर हाँ देखा जाए क्या इनको चीज़ें मतलब एक तरीके से बोलेंगे देना चाहिए तो भाई MBM लाइटिंग अगर दे दे तो बढ़िया रहता थोड़ा सा। एंड उसी के बाद भाई अपना सनरूफ है पैनोरामिक आ जाता वो भी ठीक रहता भाई, बाकी 360 डिग्री कैमरा वगैरह, लेकिन चलो ठीक है भाई। ये था भाई अपना फुल डिटेल रिव्यू अपने एलिवेट ZX का, होप करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करेगा, चैनल अपने इसको सब्सक्राइब करेगा, ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन शो पाने के लिए मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।